राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से। फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। कल पूरे दिन हमारे यहाँ पर बारिश हुई है, अभी भी बहुत घटाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, तो मैं अपनी टेरेस पर ही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं फ्रेंड्स आपको अपने बेला के प्लांट दिखाती हूँ। इतने सारे देखिए कलियों से भरे हुए, ये देखिए पूरे भरे हुए हैं कलियों से, फूलों से। अभी काफ़ी सारे इसके फूल देखिए, अभी तोड़ भी लिए हैं। देखिए ये नई नई आ रही हैं कलियाँ, सब भरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही पूरी छत पर इनकी खुशबू होती है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको फ्रेंड्स फुल सनलाइट में रखिए आप, पूरे बाहर इन्हें धूप हवा सब लगनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से खिलते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। फरवरी मार्च में इनमें खूब मैंने खाद लगाई थी, गोबर की खाद, उससे देखिए। और एक आध बार उसके बाद शायद मैंने एक या दो बार इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है। और इसमें कितनी बार फूल खिल चुके और नए नए फूल आ रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। देखिए मेरे पास ये तीन पॉट हैं इनके, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और जब भी इनके आप फूल तोड़ लें तो इस तरह के ये हो जाते हैं, ये तोड़ लें, खाली ये होते हैं, ये देखिए ये इसकी डंडी तोड़ दें तो यहीं से फिर दोबारा इसमें कली आनी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे एक गमला लगाएं आप इसके यहाँ, एक पेड़ लगाएं एक गमले में, लेकिन लगाएं जरूर। और सावन के महीने में ये देखिए इतने खिलते हैं, अपने लड्डू गोपाल पर आप चढ़ाइए इनके फूल, बहुत खुश होते हैं इससे भगवान। शंकर भगवान पर चढ़ाइए, लड्डू गोपाल पर चढ़ाइए ये फूल, पूरे आपके मंदिर में भी पूरे दिन खुशबू रहेगी इसकी। देखिए कितनी कलियाँ, आप फूल तोड़ते जाएंगे और नए नए कलियाँ आती जाएंगी। देखिए और ये इस तरह नए नए इसके नीचे रूट से कने भी निकलते रहते हैं इसके, इसमें भी सब ऊपर अब कलियाँ आएंगी। तो कोई ज़्यादा इसकी फ्रेंड्स केयर नहीं है और पूरा साल भर ये प्लांट रहता है, केवल समर में ही और बारिश के दिनों में इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। सितंबर तक इसमें खूब फूल आएंगे फ्रेंड्स, देखिए सितंबर तक आपका बिल्कुल गार्डन खुशबूदार रहेगा, एकदम हरा भरा और हरे भरे ये पूरे साल रहती हैं। और कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इस समय मौसम है, आप इसकी कटिंग लगा सकती हैं, आप कटिंग से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए बेला का, बेला मोगरा ये सब एक ही फैमिली के हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं। ये कितनी सारी कलियाँ हैं, ये नई नई कलियाँ आ रही हैं। बहुत ही आसान केयर है इसकी, इतने सुंदर लग रहा है। देखिए मोगरा में भी कितनी कलियाँ आ रही हैं, ये इसकी कलियाँ इस तरह होती हैं और फूल भी बड़ा होता है इसका थोड़ा। और अब बारिश के दिनों में फ्रेंड्स इसको कोई खाद नहीं चाहिए, बारिश के पानी से ही ये खूब हरा भरा रहेगा और खूब इसमें फूल आएंगे। बस जब आप फूल वो तोड़ लें तो जो फूल की डंडी रहती है इनको ज़रूर तोड़ दें। तो
इसके तोड़ने के बाद ही इसमें वहीं से नई नई कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी कलियाँ आ रही हैं, पूरा कलियों से भरा हुआ है। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है। और ऐसे मौसम में ये बहुत खुश रहते हैं प्लांट। तो आप इसको ज़रूर लगाइए, अपने गार्डन को महकाइए। इस बार अभी कटिंग आप लगा लेंगे, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए किसी फ्रेंड्स के यहाँ से कहीं से भी, तो आप लगा लीजिए, अगले साल उसमें खूब फूल आएंगे। गार्डनिंग करने के लिए फ्रेंड्स पेशेंस ज़रूर चाहिए, ये नहीं है आज हमने कटिंग लगाई और कल से हमारे फूल आने लगे, ऐसा नहीं है। तो आप कटिंग लगा के इस समय खूब अच्छे अच्छे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने, अगले साल फिर आपका भी बगीचा फूलों से भरा रहेगा। छोटे से छोटे पॉट में भी ये आसानी से लग जाता है, खूब भुरभुरी अच्छी मिट्टी बनाकर लगाएं इसको, और फरवरी के महीने में खूब अच्छे से खाद डालें उसमें। फरवरी मार्च तक आप खूब खाद डाल सकते हैं उसमें, फिर ये आपको पूरे सीज़न भर खूब फूल देगा। उसके बाद आप खाद डालें या ना डालें, पूरे सीज़न भर ही आपको खूब सारे फूल देगा। देखिए कितने सुंदर फूल हैं और बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े फूल खिलते हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, खुशबू वाले प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। मेरे पास कई सारे खुशबू वाले प्लांट हैं तो मेरी पूरी टेरेस पर इनकी खुशबू रहती है। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।